सपना था, झारखंड मिलेगा तो राम राज जैसा हो जाएगा, इधर सब कुछ रिसोर्सेज हम लोग का कंट्रोल में रहेगा, हम लोग का सावधान रहेगा, पर देख रहे थे और ज्यादा लूट। ये लोग बोरी बेचते हैं साइकिल वाले को, साइकिल वाला फिर जाके बेचता है भट्टे वाले को, और भट्टा वाला उस 200-100 रुपया का कोयला बेचते हैं 10,000-12,000-14,000 में, लेकिन मौत गरीब लोगों की होती है। नमस्कार, जोहार। प्रभात खबर के वीडियो सेक्शन में मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं। झारखंड में अवैध खनन का मसला नया नहीं है, इससे जुड़ी कई खबरें आपने पढ़ी होंगी, लेकिन अवैध खनन को विस्तार से समझने और उसके पीछे की पूरी कहानी को जानने की कभी कोशिश की है आपने? इस वीडियो के माध्यम से हम यही कोशिश कर रहे हैं कि अवैध खनन के पीछे की पूरी कहानी को आपको समझा सकें, और आगे क्या होगा, क्या ये अवैध खनन बंद होगा, क्या जो जाने जा रही हैं वो जाने इसी तरह जानी बंद हो जाएंगी। इस मुद्दे को पूरी तरह से समझने के लिए हमारे साथ फिल्म मेकर हैं रुपेश शाहू। रुपेश जी, धन्यवाद आपका कि आपने सबसे पहले हमें समय दिया। जो हाल जो है। आपकी एक फिल्म है रैट ट्रैप जी, उस फिल्म में अवैध खनन से जुड़ी वो सारी बातें हैं कही गई हैं जो लोग जानना चाहते हैं और जानना चाहिए। तो सबसे पहले मुझे उस फिल्म के बारे में बताइए कि उस फिल्म की एक शुरुआत कैसे भी, कहाँ से लगा कि इस मुद्दे को आगे लेके जाना चाहिए, और दर्शकों को आप अपना परिचय भी अगर और विस्तार में दे सकेंगे कि किस तरह आप फिल्मों के माध्यम से यहाँ के मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे हैं और क्या क्या काम किया है इस बारे में। आप सभी को जोहार, देखने वाले दर्शकों को। मेरा नाम रुपेश कुमार है और हम पिछले 6-7 सालों से झारखंड में एक टीम है अखड़ा, जिसमें एक एडिटर और साउंड डिजाइनर के तरह के रूप में हम काम कर रहे हैं। और जिस समय से हम कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे उसी समय से देखते थे कि लोग साइकिल से कोयला ढो के आ रहे हैं, और उनकी मतलब वो कम लोग नहीं होते थे, आप देखते तो कम से कम वो 50 लोग 100 लोग आ रहे हैं। अभी उनका थोड़ा फॉर्मेट चेंज हो गया कि एक मोटरसाइकिल उनको खींच के ले जाता है। तो ये सब देखने के बाद मेरे दिमाग में एक हमेशा बना रहता था कि वो लाते कहाँ से है, और हम जिस जगह से आए वहाँ पे कभी कोयला देखे भी नहीं थे, कैसा खनन होता है, क्या होता है। तो जब हम एक संस्था है अखड़ा, उसमें जब हम काम करने लगे तो उसी समय पे मेरे को कुछ स्टॉक फुटेज दिखा कि कोयला लोग निकाल रहे हैं उस पर, और वो बहुत ही मतलब डेंजर तरीके से वो कोयले निकालने के लिए घुस रहे हैं वहाँ से, ये कर रहे हैं, उनका जान कभी भी जा सकता है। तो ऐसी बात बात में जब हम बात किए, मेरे एक सर हैं बिजू टोपर, मेघनाथ सर से बात हुई, तो वो बोले कि ये झारखंड में आए दिन हो रहा है और आए दिन लोग मर रहे हैं, तो उनको भी बनाने का इस चीज़ में मन था। तो हम बोले कि ठीक है, इसको अगर हम करते हैं तो इसको हम अपने फर्स्ट फिल्म के रूप में एक हम देखते हैं इस फिल्म को और बनाना चाहेंगे। तो बोले ठीक है, आप बनाइए। तो कुछ स्टॉक फुटेज उनके पास अवेलेबल थे, और इसको एक हम पूरा इस फिल्म को 2017 में हम शुरुआत किए थे बनाना, तो 2017 से लेके हम जो चीज़ें इकट्ठा करते गए, और अभी जब लॉकडाउन का जो पीरियड था, इस समय मेरे पास अच्छा समय था कि उसको एक एडिटिंग करने का, तो हम उसको एक अच्छे से स्टोरी बेस लाइन देके एक एडिटिंग की, और एक फिल्म एक आई है 35 मिनट की, ये फिल्म है। बाकी अभी इस फिल्म को कहीं हम दिखाए नहीं, पहला प्रीमियर इसका लोहरदगा में भी होने वाला है 1 मई को। अच्छा, तो उस दिन लोग देखेंगे और बताएंगे, अपना फीडबैक देंगे कैसा बना है, क्या बना है। तो अगर आप ये वीडियो 1 तारीख से पहले देख रहे हैं और लोहरदगा के आसपास हैं और ये फिल्म देखना चाहते हैं, तो ज़रूर आपको चले जाना चाहिए। हम आपको बताएं दर्शकों को कि साइंस फिल्म फेस्टिवल वहाँ पर हो रहा है और वहाँ पर रुपेश की फिल्म 1 तारीख को आ रही है। तो रुपेश, ये जो अवैध खनन की आपने जब जाँच शुरू की, जब आपको लगा कि इस पर एक कहानी के फॉर्म में रखा जाना चाहिए, तो इस पूरे सफ़र में आपका जो अनुभव रहा है वो कैसा रहा है और
दरअसल इस पे क्या था कि हम होता क्या है ना कि हम लोग जो रांची जैसे शहरों में रहते हैं, बड़े शहरों में, बस बिजली का स्विच दबाए बिजली जल गई, वो हम देख रहे हैं कितना रोशनी हो गया, लेकिन इसके पीछे का कहानी कहाँ है, वो कहाँ से आ रही है वो कोयला, वो कितना काला हो सकता है। जब आप जाएंगे यहाँ पे माइनिंग एरिया में जिस जगह पे हो रहा है तो आप देखेंगे हजारों एकड़, लोग तो आजकल एकड़ नहीं बोल के हेक्टेयर बोलने लगे हैं, तो जो हेक्टेयर और एकड़ का जो ज़मीन है उसका जंगल पूरा ख़त्म कर दिए हैं, उससे माइनिंग कर दी, उस गड्ढा को आप वैसे ही छोड़ दिए जैसे आप वहाँ से निकाले, और उस कोयले निकालने में कितने लोगों का विस्थापित किए हैं उस पर बात करने वाला कोई नहीं है। आप उसके ज़मीन से भी कोयला निकाल रहे हैं, उसके पास रोज़गार नहीं है, वो क्या करेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता है, तो वो उसका पास एक आखिरी चांस बचता है कि जो बंद पड़ा खदान है उसी में से हम जाते हैं कोयला निकालते हैं और ला के बेचते हैं, दिन भर में 400-500 रुपया कमाते हैं, ये एक स्टोरी। तो ये दूसरा साइड स्टोरी है जिसको लोग क्या बोलते हैं, वो एक इलीगल माइनिंग है, ठीक है। और इस माइनिंग का सबसे खतरनाक क्या है कि अगर आप किसी प्रकार का कल दुर्घटना हो जाता है तो उस पर आपको पूछने वाला तक कोई नहीं है। इवन क्या है, कभी कल का पेपर में अभी दो दिन पहले जो 78 लोग का जो था, 50 लोग अराउंड बोर्ड है दब गए, कल का पेपर में देख रहे उसके मुहाने को बंद कर दिया गया है और जेसीबी लगा दिया गया है, कल का पेपर में दिया था। अब आप बताइए कि वो जो उसके अंदर में रहे उसको निकालने का कोशिश नहीं किया गया होगा, उसके अंदर ही वो तो रह गए। एक पक्ष तो कह रही है BCCL की उसमें कोई नहीं दबा हुआ है, लेकिन उसका किसी का भी स्टेटमेंट यही है कि उसमें कोई नहीं। तो जान का इतना खतरा है और जान जाने के बाद भी परिवार वाले सामने नहीं आके ये बोल सकते कि ये उसमें मर गया, क्योंकि वो इलीगल है, उन्हें पता है कि वो फंसेंगे, इसमें डर भी है उन्हें, इसके बावजूद भी ऐसा क्या है जो उन्हें सिर्फ इसी काम के लिए की तरफ ले जा रहा है? हाँ, जैसे मेरा पहला सवाल जब हम फिल्म जब शुरू कर रहे थे बनाने का सोचे तो हमको, मेरे को भी लगा कि लोग क्यों इतना रिस्क लेना, आजकल तो सरकार का इतना मनरेगा काम चल रहा है, आप रांची में आके भी लेबर वाला काम कीजिएगा तो 500 रुपये पर डे कमाइएगा। लेकिन इसमें दूसरा चीज़ क्या है, इसमें जब हम लोगों से बात किए तो लोगों का कहना है मनरेगा में आपको कितना काम मिलता है और कितना योजना आपके गांव तक पहुंचता है, ठीक है, और वो अगर योजना आ भी गया, आप काम किए तो आज अगर आप काम करते हैं तो उसका पैसा आपको 10 दिन बाद मिलता है, 15, तो वो जो 10 दिनों का जो ड्यूरेशन है मेरा परिवार क्या खाएगा या फिर हम क्या खाएंगे। और ये कोयला वाला में ठीक है, मेरा जान का रिस्क है, ठीक है। एक फिल्म में एक जगह पे बोलता है कि हम लोग, एक डायलॉग है कि हम लोग 4-5 खाने वाले होते हैं और एक कमाने वाले होते हैं, तो क्या होता है कि अगर एक के मर जाने से अगर 4-5 लोग खुश होते हैं तो एक को मरना चाहिए। मतलब आपने किसी ऐसे व्यक्ति से बात की है जो एक कर रहे हैं और उन्होंने ये इंटरव्यू दिया है कि एक को मरना चाहिए, मतलब उनका स्टेटमेंट आप सोच रहे हैं किस लेवल पे बात कर रहे हैं वो, कि अगर ये काम करने से अगर हम मर भी जाते तो हमको कोई गम नहीं, लेकिन मेरा परिवार ठीक से होना चाहिए। अब मुझे ये समझाइए कि जैसे जैसे फिल्म आपकी आगे बढ़ रही होगी, मामला सिर्फ कोयले के खनन तक सीमित नहीं है, झारखंड में कई तरह की माइनिंग होती हैं, और न सिर्फ कोयला बल्कि पत्थर और मायका, ये सारे बॉक्साइट, ये सारे खनन भी हैं। तो जब आप स्टोरी कर रहे थे तो आपको लगा कि इसी तरह का मसला दूसरे चीजों को भी लेके होगा? वो तो बॉक्साइट नहीं हो सकता क्योंकि उसमें एक पूरी प्रक्रिया है, लेकिन बाकी चीज़ माइका वगैरह में तो अभी चल रहा है इस तरह, लेकिन हमने अपनी फिल्म में सिर्फ एक सेंटर पॉइंट कोयला को ही रखा है। वो इसलिए रखा है क्योंकि जिससे देखने वाले जो हमारे जो व्यूअर होते हैं उनको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होना है, मतलब वो थोड़ा फिल्म के बारे में सोचे भी, नहीं तो क्या होता है कि आप 5-6 टॉपिक को रख देंगे तो थोड़ा कन्फ्यूज कर जाएंगे। लेकिन मैंने सिर्फ कोयला को ध्यान में रखते बनाया, लेकिन ये चीज़ हर चीज़ में, आप माइका में जाइए, अभी मायका में भी बहुत ज़्यादा वो अवैध खनन चल रहा है और उसमें भी काफ़ी लोग मर रहे हैं। जैसे दीपक बाड़ा सर एक फिल्म बनाए हैं उसके ऊपर में, जो हम उस दिन लोहरदगा में दिखाई जाएगी वो फिल्म मायका के ऊपर में है, ठीक है। आप तो इतना ब्यूटी प्रोडक्ट लगा रहे हैं लेकिन उसके पीछे की कहानी क्या है, वो कहाँ से आती है, तो इस तरह, और पूरे झारखंड में इस तरह चल रहा है। नहीं, और जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं जो इन इलाकों से नहीं है जहाँ कोल होता है, या तो आप अगर आपके गाँव में नदी है तो वहां जाकर देख लीजिए बालू खनन की क्या स्थिति है। बालू खनन की स्थिति बहुत खराब है, बालू खनन, आप अभी हम इधर गए हुए थे बसिया के इलाके में, धड़ल्ले से अवैध बालू खनन हो रहा है। तो ये अवैध खनन का जो मसला है, खतरा तो उतना ही है, बराबर ही। आप अपनी फिल्म जो आपकी है उसमें कहीं कोई ऐसी बात या कोई फाइंडिंग, ऐसी कोई सोल्यूशन
निकल के सामने आया है या फिर आपको लग रहा है कि ये समस्या जस की तस रहेगी, इसका कोई इलाज नहीं? इसका सॉल्यूशन यही, इसको सरकार को ध्यान देना चाहिए, ठीक है, या तो आप उनको रोजगार मुहैया करें। हमने फिल्म में ये चीज़ों को ऐड किया है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो इसमें दो तीन चीज़ें निकली, बाकी तो आप फिल्म देखेंगे तो और भी चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन इसमें एक दो चीज़ें हैं कि या तो आप उनको रोज़गार प्रोवाइड कराइए, ठीक है, या फिर दूसरा है कि वो जो कोयला निकालते उसको आप एक तरीके से कोऑपरेटिव वगैरह बना दीजिए, ताकि जो लोग, और उस सेफ्टी का सबसे पहले ध्यान दीजिए। मान के चलिए कि अगर कोऑपरेटिव टाइप में हो जाए तो उनको एक, आप जो कोयला निकालते उसका एक सही तरीके से वो निकाले कोयला, उनको बेचने का एक मंडी दे ताकि वो फिर लोगों तक जाए, तो ये एक पूरा प्रोसेस आपको सुधारना पड़ेगा। अच्छा, कोई ऐसी बात जो आप दर्शकों से कहना चाहेंगे, न सिर्फ इस अवैध खनन के बारे में, या फिर कोई भी ऐसी बात जो आपको लगता है कि दर्शकों से साझा करनी चाहिए, कहना चाहिए, वो आखिरी बात कुछ? हाँ, जैसे जब ये फिल्म हम कर रहे थे तो मेरे दिमाग में तो चीज़ें बहुत सारी थी कि इसको भी ऐड करना है, उसको भी ऐड करना है, लेकिन जब फिल्म करते समय ये चीज़ें इतना मार्मिक हो जाता है ना, जब आप आपके आँख के सामने में अभी धनबाद में वो एक बॉडी निकल रहा है और वो आप उस चीज़ को देख रहे हैं, तो अंदर से लगता है कि शायद हम ये बिजली, मतलब कोयला, खुद में शर्म लगने लगा कि हम शायद वो बिजली इतना ज़्यादा यूज क्यों कर रहे हैं या फिर इस तरीके से क्यों कर रहे हैं। और सरकार से भी एक बात कहना चाहेंगे कि इस तरीके का चीज़ों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए उनको। अच्छा, ये फिल्म अगर कोई लोहरदगा से इतर कोई दर्शक देखना चाहे तो कैसे देख सकता है, क्या कोई प्रोसेस है, कोई जगह है? हाँ, ये आप, मतलब लोहरदगा में तो एक फेस्टिवल है जिस पे आप वो फिल्म को देख सकते हैं, 1 मई को वो फिल्म अभी चलेगी, 12 बजे से वो फिल्म की स्क्रीनिंग है। और लोहरदगा से में जो नहीं आ पाएंगे उनके लिए अभी हमने एक स्क्रीनिंग की व्यवस्था भी हम कर रहे हैं, ऑनलाइन स्क्रीनिंग, तो अभी वो आने वाला डेट हम एक साझा करेंगे कि जिस दिन वो फिल्म को हम आम लोगों के लिए भी कुछ दिनों के लिए हम इसको चलाएंगे। ऐसे अभी ये फिल्म अलग अलग फेस्टिवल्स में भेजी हुई है, जैसे इसको शिमला फिल्म फेस्टिवल में भेजे हैं, एक पंचगनी में फिल्म फेस्टिवल से वहाँ पे भेजे हुए हैं, और इसके अलावा 4-5 फॉरेन फेस्टिवल में भेजे हुए हैं, तो ये अभी चल। कुल मिला के ये है कि झारखंड की जो कहानी है, जो कोयले के पीछे की काली सच्चाई है, वो फिल्म के माध्यम से ही लोगों को धीरे धीरे पता चल रही है। एक बात और दर्शकों से, जो भी अभी झारखंड में बिजली की समस्या है, आपको पता है कि बिजली नहीं रह रही, और इसके पीछे एक बड़ी वजह है कि कोयले की भी कमी है, तो जब भी आप अपने घर का पंखा, कूलर, एसी या कुछ भी ऑन कर रहे हैं तो इसके पीछे की पूरी प्रक्रिया को समझिएगा। इसके अलावा जो लोग भी सस्ते दाम में कोयला खरीदते हैं, या फिर जो साइकिल से लंबे दूरी से कोयला लेकर आ रहा है उससे कोयला खरीदते हैं, तो उसके पीछे का भी दर्द समझिएगा कि कितने रिस्क से, जान पे खेल के उस व्यक्ति ने अब तक वो कोयला पहुंचाया है ताकि आपका छोटा सा दुकान, होटल, बाज़ार जो भी है वो चल सके। ये हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की कहानी आपके सामने रख सकें, और जो फिल्म है रुपेश की, वो अगर आप लोहरदगा के आसपास हैं तो ज़रूर देखिएगा। इस तरह की कहानी हम आपके सामने रखते रहेंगे और ये भी कोशिश करते रहेंगे कि जो बात है वो आप तक पहुँचे और आप समझ सकें कि जो भी सुविधाएँ आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके पीछे का सच क्या है। तो धन्यवाद कि आपने पूरा वीडियो देखा। नमस्कार। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।